यौन शोषण मामले में लगे आरोप के बाद एसपी सुमित मंगलवार को फरीदाबाद पहुंचे, जहां वो महिला आयोग की चेयरपर्सन रेणु भाटिया के सामने पेश हुए। इस दौरान उन्होंने रेणु भाटिया के सामने अपना पक्ष रखा और कहा कि उनके ऊपर लगाए गए सभी आरोप निराधार हैं। जिसके बाद महिला आयोग की ओर से बड़ा एक्शन लिया गया। दरअसल महिला आयोग ने प्रदेश के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी को एक पत्र लिखा, जिसमें जांच पूरी होने तक जींद के एसपी का ट्रांसफर करने, छुट्टी पर भेजने या हेडक्वार्टर पर नियुक्त करने की सलाह दी है। वहीं इस दौरान जांच अधिकारी आस्था मोदी ने भी वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए महिला आयोग के समक्ष अपनी बात रखी और इस मामले की अब तक की जांच रिपोर्ट सौंपी है। अंत में अब आप रेणु भाटिया को सुनिए, उन्होंने इस पूरे मामले को लेकर क्या कहा। जींद के एसपी का मामला काफी तूल पकड़ रहा है, आज वो पहुंचे, क्या रहा? आज हमने इस केस के संदर्भ में एसपी जींद को तलब किया था फरीदाबाद वाले अपने कार्यालय में। वो पहुंचे और उनसे गहराई से कई विषयों पर बातचीत हुई। प्रश्न पहला सबसे हमारा ये था कि आपके ऊपर पिन पॉइंट क्यों हुआ, कोई ऐसी खास बात जो महिला अधिकारियों के साथ, कर्मचारियों के साथ आपकी रही हो, या किसी विषय पर अनबन हो, या कोई ऐसा पॉइंट? इन सब बातों को बताते हुए उन्होंने क्लियर किया कि पर्टिकुलर एक भी इस नाम की महिला से वो पर्सनली ना मिले हैं, ना उनकी फ़ोन में कभी नंबर है। इवन उनकी SHO DSP से भी कोई ऐसी रेगुलर बात नहीं रहती इन विषयों पर। परंतु ये लेटर किसने लिखा, ये क्या हुआ, ये कल शाम को थोड़ा सा जो निकला है कि कोई यूट्यूबर है जिसने 1.5 मिनट के अंदर 2 मेल्स जो है इस तरह की हैं, और उन 2 मेल्स में करने के बाद उन्होंने उस मेल आईडी को हटा दिया। तो ये एक बहुत सोचने का विषय है कि ये कौन इस तरह से पुलिस के खिलाफ, पुलिस को इस्तेमाल करने की कार्रवाई कर रहा है। ये पुलिस के लिए एक और भी बड़ा चैलेंज है। आपके माध्यम से मैं DGP साहब से निवेदन करूंगी कि इसके ऊपर गहराई से जांच करें कि इस मेल के पीछे क्या मोटिव है, ये मेल कौन कर रहा है। जो उसमें है rani.com करके मेल, वो चेक किया जाए कौन से ज़िले से, कहाँ से, किस एरिया से हुआ। उस व्यक्ति को भी तुरंत प्रभाव से पकड़ा जाए ताकि मामला और क्लियर हो सके कि वो महिलाएं कौन हैं जिनके उसने नाम दिए। क्योंकि ताज्जुब की बात ये है कि एक लेटर में 5-7 महिलाओं के नाम हैं और दूसरी लेटर 1.5 मिनट के अंदर है जिसमें किसी भी महिला का नाम नहीं है, जिसमें ये लिखा है कि वो SP अब पैर पड़ रहा है, माफ़ी मांग रहा है और अपनी गलती एक्सेप्ट कर रहा है एंड बलाबला व्हाटएवर। सो द पुलिस शुड टेक अ फेयर इंक्वायरी ऑन दिस पर्टिकुलर सब्जेक्ट आल्सो, बिकॉज दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। हु इज़ दैट पर्सन हु इज़ मेलिंग from a fake mail ID and closing the mail ID, why he is doing this, वो किसके एंटी है, SP के एंटी है, महिला अधिकारियों के एंटी है, क्या मामला है, ये विषय जब सामने आएगा तो इससे पता लगेगा कि महिलाएं कौन हैं। और एक जो उन्होंने 5 अधिकारी अपनी महिलाओं के नाम बताए, जिसको मैं डिस्क्लोज नहीं करना चाहूँगी, हम उनको 7 नवंबर की डेट दे रहे हैं क्योंकि 4 दिन का त्यौहार है। ये सब हो जाने के बाद 7 नवंबर की हम उनको फरीदाबाद की ही डेट देंगे। हम उनसे पूछताछ करेंगे कि उनका डिपार्टमेंट में ऐसी क्या बात थी, और वो अपने बयान दर्ज करें हमें, क्या उनका पर्सनल कुछ SP से जानकारी, कोई विषय, कोई नाराज़गी, कोई खिलाफत, कुछ ऐसा था, तो वो सामने आएगा। तो ये 2 विषय जब सामने क्लियर हो जाएंगे, मैं उम्मीद करती हूँ कि दूध का दूध पानी का पानी होगा। और कमीशन बाध्य है इस बात के लिए कि अगर कोई बेटी हरियाणा की, देश के किसी भी कोने में, दुनिया के किसी भी कोने में प्रताड़ित है, परेशान है, कमीशन बाध्य है उसकी मदद करने के लिए।
हम हर तरह से आउट ऑफ द वे भी जाकर उसकी मदद करने को तैयार हैं, बशर्ते वो शिकायत जायज और जेन्युइन हो। महिला अपने आईओ जो है उनको भी कोई बात हुई उनसे? आस्था मोदी इस केस की आईओ हैं जो कि एसपी फतेहाबाद हैं, उनसे मेरी अभी वीडियो कॉन्फ्रेंस हुई। उन्होंने मुझे बताया कि 40 महिलाओं की वो पूछताछ कर चुकी हैं, अब तक शाम तक कुछ अन्य महिलाओं की कर लेंगे, क्योंकि एसपी जिसके ऊपर ये एलिगेशन है उन्होंने फ्री इंक्वायरी छोड़ने की बात कह दी है कि किसी भी तरीके से, किसी भी एंगल से, किसी भी अधिकारी से, प्रदेश के या बिना किसी और प्रदेश के अधिकारी से आप कराना चाहें आप करा सकते हैं। मैं इसमें कोई कंप्लेन नहीं करूंगा, और इसलिए जो 19 महिलाएं पहले इंक्वायरी की गई, जिनसे पूछताछ की गई, जिनके सिमिलर नेम थे जो जींद में ट्रांसफर्ड हैं, उन्होंने मना किया, परंतु इस विषय को और बढ़ाते हुए, ट्रांसपेरेंसी लाते हुए आस्था मोदी ने एक अच्छा स्टेप उठाया है जो टाइम कंज्यूमिंग तो है लेकिन तसल्ली बख्श रहेगा। 150 के करीब महिलाएं जींद में कार्यरत हैं पुलिस की, उन सभी 150 को बुलाकर वो पूछताछ कर रही है, चाहे उनका नाम उन 7 महिलाओं वाला है या नहीं है। आस्था मोदी का कहना है कि हम जितना भी ज़्यादा गहराई से महिलाओं से बात करेंगे क्लैरिटी उतनी ज़्यादा होगी और एक फेयर इंक्वायरी सामने आएगी कि हर पुलिसकर्मी महिला से बातचीत हुई, भले ही वो अपने कार्यकाल के दौरान एसपी साहब से मिली या नहीं मिली, किसी भी विषय पर, काम के दौरान, ड्यूटी के दौरान। तो ऐसा करने से मुझे लगता है एक फेयर इन्वेस्टिगेशन सामने आएगी। आस्था मोदी को एक निवेदन आदेश के तौर पर हमने ये भी कहा कि यदि उनको इंक्वायरी करने में कोई प्रेशर है, परेशानी है, तो भी आयोग उनकी मदद कर सकता है। उनको अगर आस्था मोदी से कोई परेशानी, भय या फेयर इंक्वायरी ना होने की चिंता है तो भी हम चेंज कर सकते हैं, परंतु आस्था मोदी ने भी ये कहा कि वो अपनी ड्यूटी को बखूबी निभाएंगी फेयर इंक्वायरी करके। और एसपी सुमित कुमार जिसके ऊपर एलिगेशंस हैं, उन्होंने भी कहा उनको किसी भी ऑफिसर से इंक्वायरी करा लें, उनको कोई ऑब्जेक्शन नहीं। आयोग ने जो प्रारंभिक पूछताछ की अधिकारी से, क्या कुछ निष्कर्ष निकल के आया कुछ आयोग के सामने, ऐसा ऐसी घटना हो सकती है? मुझे दो चीज़ों पर, जो उन्होंने एसपी सुमित कुमार ने बताया, मुझे दो चीज़ों पर थोड़ा सा संशय है कि शायद वो जब हम पूछताछ करेंगे कुछ निकल के आए, तो हमने इस बारे में 7 तारीख की डेट दी है।